एक कॉल ले लेते हैं। जी सलाम वालेकुम। जी 11th आवर बिल्कुल। तो हाँ इब्न जलील से, टॉक्सिक पीपल से कैसे बात कर सकते हैं? अब बात कर रहे हैं ऑलरेडी तो आज जी बात करना चाह रहे हैं हम कि टॉक्सिक लोगों से अपनी ज़िंदगी में कैसे डील करें। हाँ, क्या टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं? ओए होए क्या सवाल पूछा मैंने, ओए बहुत डीप नहीं था? टॉक्सिक बिहेवियर या आप इसका खुद ही जवाब, जैसे वो पॉडकास्टर्स होते हैं ना, कहते हैं मैं उस मुल्क में गया, लोग आंखें बंद करके सो रहे थे। डीप कन्वर्सेशंस, डीप कन्वर्सेशंस। एक भाई की वीडियो देखी मैंने। सो यस, सही बात है, टॉक्सिक लोगों को लेबल करना चाहिए, टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं। वैसे टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों में होते हैं, डिफाइन तो करें टॉक्सिसिटी क्या है किसको। यार दूसरे की जिंदगी अजाब बना देना, सिंपल जहरीलापन, अपने जहरीलापन। ये अच्छा है यार, यू वोंट बिलीव इट, मुझे अभी ये इस नाम से याद आ गया, हमारे क्लास में एक लड़का था ब्रो, अल्लाह ताला माफ करे, हमने उसका नाम ही जहरीला रखा हुआ था। सीरियसली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला माफ करे। थोड़ा प्रैक्टिस भी थे माशाल्लाह, दाढ़ी भी थी आपकी ना? हां बचपन से दाढ़ी थी मेरी, स्कूल की बात कर, बचपन से दाढ़ी थी मेरी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, या हाई स्कूल की बात कर। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उन्होंने अपने दोस्तों का नाम कड़वा रखा हुआ था। Bro, वो आप ही थे, आप ही थे bro. Bro, you're right bro. Zehrila is on the top up till now. This is on the astaghfirullah. यार वैसे college universities में ये बड़ा common था, है ना? कि लोगों के आप नाम रख देना based on their traits. इवन वो ईयर एंड पे जो भी होता था एनुअल फंक्शन, उस पर मिलते थे ना टाइटल्स, उसमें भी इसी तरह के मिलते थे। सही टिका। अच्छा एक मैंने अभी तक नहीं बताया, आप कोई भी फेंकेंगे ना, दैट विल बी द ट्रंप कार्ड, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी बताएं आपने क्या नाम रखे थे। बहुत ज्यादा वो ना टॉक्सिक नाम थे वैसे, इस तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों को आइडियाज नहीं देने चाहिए। तो ब्रो आपके हाँ। नाम ऐसे, आपकी ना मॉरल स्टेट बहुत गिरी हुई थी, इसलिए मैं आपके पास आया था ना। अल्लाह अकबर। अच्छा ऐसे यार प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ब्रो ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि मर्द, मैंने जी उसको रगड़ दिया, मैंने उसको रगड़ दिया, मैंने उसको सुना दी, ये बड़े कमजोर इंसान की निशानी है। कवाम मींस केयर टेकर यार, ये समझने की जरूरत है। ब्रो क्या आता है कि सहाबा रेसल कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो अपनी स्ट्रेंथ आपस में ना करते थे, मैं ज्यादा कौन रजाल है, कौन रजाल है, कौन वो है। आप बताया कि असल मर्द वो नहीं है जो दूसरे को पिछाड़, जो लोग अपने आप को समझते ना कि हम जहाँ भी जाते हैं हम ऐसे की तैसे फिर देते हैं, वो बड़े कमजोर लोग हैं। और जो लोग अपनी गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं ना, जब भी वैसे गुस्सा है ना, अपने आप को मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ, यानी मैं रिजाल में बस नरम 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 मिजाजी जो है ना, आई थिंक इट्स अ सॉल्यूशन टू अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है ब्रो, हम ना एक्चुअली हमने बातें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की हैं, राइट? बट इस पे होगा तब ब्रो जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। सबसे पहले जो कहने वाले वो भी करें ब्रो, मेरे पास ब्रो हम जाके करते हैं। अब देखो ब्रो, अच्छा हमें फर्क था यार, सीरियसली देखें, इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन। अब जब हदीस हम यानी हम भी सुनते हैं, सहाबा इकराम ने भी सुनी कि तुम्हें से जब कोई बंदा गुस्से में हो तो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए, या उस इन्वायरमेंट को चेंज कर ले। नाउ इमेजिन, सुभान अल्लाह, हम तो यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं ना, अबू ज़र गफारी वो एक शख्स से बातचीत कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन ही लाई डाउन, लेट गए। अब ये बंदा सोच रहा है कि यार ये क्या बात हुई, हम तो बहस कर रहे थे अभी। तो कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए लाई, यू नो यू हैव टू ले डाउन। तो मुझे नबी की बात याद आ गई, तो मैं हम इसे कौन कर सकता है ऐसे, हम लोग मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, मैं लेटा हूँ, बंदे बोलेंगे इसको क्या हो गया। मैं बताऊँ, आपने वैसे कभी ट्राई किया किसी ने? I've tried it once. Italy hilarious. My wife का argument. I actually lied down. अरे तो ऐसे तो कैसे जुड़ गई, ये क्या हो रहा है? और उन्होंने कहा मैं क्या मतलब, मैं दिन सीरियस तू लेट गया, तू सही नहीं रहा यार, आपका खुद आप लेटते वक्त हंसी छूट जाए, क्या कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएस्केलेट करने के लिए अच्छी चीज है यार, मैं सीरियस हूं, तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, मैंने जिंदगी मेरी मुश्किल में, तू आप अगर ये नहीं कवर मेरे रोलिंग रोल शुक्र है डेंट निकाल चुका है ब्रो। दिस इज अ साइन ऑफ ईमान वल्लाह, जब ये साहब का एटीट्यूड है ब्रो, जब कोई हदीस याद है फौरन से अमल कर देना।